श्रीपाद राजम श्रीवल्लभ मेन बोले तो सबको मालूम है श्रीपाद श्रीवल्लभ का जन्म ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर के दत्तात्रेय के प्रथम अवतार श्रीपाद श्रीवल्लभ जी। श्रीपाद श्रीवल्लभ का जन्म स्थान पीठापुर में 1320 में जन्म हुआ और 1350 में उनका कार्यकाल समाप्त हो। 16 साल पीठापुर में, 14 साल कोरापुर में। उसी समय जब कोरापुर के स्थान पर श्रीपाद श्रीवल्लभ जब आए थे, एक कश्यप गोत्री बलदेवश ब्राह्मण भी श्रीपाद श्रीवल्लभ के दर्शन के लिए हर साल दर्शन करते थे। दर्शन करने के बाद बल्लेवेश ब्राह्मण अपने गांव को जाते थे। एक बार बल्लेवेश ब्राह्मण की इच्छा हुई, श्रीपाद श्रीवल्लभ क्षेत्र में हजारों ब्राह्मण को अन्नदान कराने की इच्छा हुई, लेकिन बल्लेवेश ब्राह्मण के पास इतना धन नहीं था कि एक बार हजारों ब्राह्मण को अन्नदान करा सके। भगवान से प्रार्थना किया, स्वामी मेरे मन में तो ये इच्छा है, आपकी कृपा से मेरे व्यापार में कुछ अच्छी आमदनी आए तो उस धन को लेकर के इस स्थान पर आना चाहता हूँ, ये आपकी कृपा करो। बोले मन्नत मांगने के बाद बल्लेवेश ब्राह्मण अपने गाँव में गए, जहाँ व्यापार करते थे वहाँ व्यापार किया। व्यापार में श्रीपाद श्रीवल्लभ की कृपा से उसको बल्लेवेश ब्राह्मण को 7 गुना ज्यादा अच्छा धन मिला। उस धन को इकट्ठा कर करके रिटर्न अन्नदान कराने के लिए वापस आ रहे थे तो 4 लोग भक्त बन करके बल्लेवेश ब्राह्मण का ही धन लूटने के लिए मुख में राम राम बगल में छुरी जैसा बोलते हैं ना, वैसे चलते चलते इस स्थान तक आए। यहाँ रात में रुके। उसी रात को उन लोगों ने क्या किया, बल्लेवेश ब्राह्मण का धन भी ले लिया, बल्लेवेश ब्राह्मण का ही गला काट करके मार दिया। ये घटना श्रीपाद श्रीवल्लभ जी को मालूम है। श्रीपाद श्रीवल्लभ जी इस स्थान पर प्रकट हो गए। प्रकट होकर के श्रीपाद श्रीवल्लभ जी ने 4 में से 3 को मार दिया। 4थे को मारने के लिए तैयार होते, 14 हाथ जोड़ के 6 में आचरण करने लगा, स्वामी मैं निरपराधी हूँ, आप स्वयं जगन्नाथ हो, आप अंतर्यामी हो, बोल करके इस प्रकार से 6 में आचरण करने के बाद श्रीपाद श्रीवल्लभ जी ने उसको क्षमा भी कर दिए। उसको पास में बुलाया, लेकिन उसको डर लग रहा था, उसको अवैध दे करके पास में बुला के बताया इस भक्त के धड़ अलग अलग है, उसको मिला देना। ये विभूति दिया, विभूति मंत्र के द्वारा उसको प्रोक्षण कर देना, मंत्रों के द्वारा गले में विभूति लगा देना, ये जीवित हो जाएगा, बोल करके श्रीपाद श्रीवल्लभ जी ने उस भक्त को बता दिया। उसके बाद उस भक्त ने क्या किया, जो क्षमा मांग रहा था उसने क्या किया, और बल्लेवेश ब्राह्मण का धड़ और सर को इकट्ठा कर करके विभूति मंत्र के द्वारा गले में लगा दिया। मरा हुआ बल्लेवेश ब्राह्मण ऐसा जीवित हुआ कि जैसे गहरी नींद में सोया हुआ आदमी अचानक जगता है, उसी प्रकार से मरा हुआ बल्लेवेश ब्राह्मण भी जीवित हुआ। जीवित होते हैं बल्लेवेश ब्राह्मण को क्या दिखाई दिया, जो हमारे उनके साथ में जो आए थे 4 लोग में से 3 लोग का तो वध हुआ है, सब 3 लोग मरे हैं, और एक उसमें से बचा है। बचा हुआ आदमी भी किसको पकड़ के रखा है, स्वयं बल्लेवेश ब्राह्मण को पकड़ के रखा है। अब बल्लेवेश ब्राह्मण को डाउट हुआ कि ये इन लोगों को मारने वाला यही तो नहीं है, और दूसरा तो कोई नहीं है ना, ये इसी ने अब मेरे को मारने के लिए तो नहीं पकड़ा। तब बल्लेवेश ब्राह्मण ने पूछा, तूने मेरे को क्यों पकड़ के रखा है, ये घटना क्या हुई। तब उसने बताया, एक जटाधारी हाथ में खड्ग त्रिशूल धारण किए हुए, पूरे शरीर में विभूति धारण के एक स्वामी आए थे। उस स्वामी कौन है मालूम है, ईश्वर त्रिपुरारी, भगवान शंकर का जैसा था, कौन है नहीं मालूम, बोल करके इतना बोलते बल्लेवेश ब्राह्मण को मालूम हो गया ऐसा स्वामी और कोई नहीं है, वो है श्रीपाद श्रीवल्लभ जी है, कोरापुर वाले स्वामी है, पीठापुर वाले स्वामी है, बोल के मालूम हो गया। अपना धन इकट्ठा कर करके यहाँ से कोरापुर के स्थान पर जा करके विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद 1000 ब्राह्मण को अन्नदान कराने का संकल्प था। उसी धन से 4,000 ब्राह्मण को अन्नदान कराया, बोल के गुरु चरित्र 10वें अध्याय में तेलुगु पुस्तक के हिसाब से 1,000 अन्नदान को अन्नदान कराने के लिए संकल्प था। लेकिन उसी धन से 4000। लेकिन मैं जिस पुस्तक पढ़ रहा हूँ उसमें गया है सहस्त्र ब्राह्मण को निदान कराने का जो संकल्प था वो परिपूर्ण हुआ बोल करके ऐसा ही बताया है। और लास्ट टाइम बताया गया है, लास्ट में जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति विश्वास है श्रीवल्लभ क्षेत्र में आता है उसकी मनोकामना परिपूर्ण होती है। मैं अभी भी अदृश्य रूप में यही हूँ। कैसे हूँ बोले तो जैसे चंपक फूल गनायना खंडाकारो भी जाए तो बोल के व्याकरण का सूत्र है। सूत्र का अर्थ क्या है कि सुगंधी फूल को तोड़ करके टोकरी में भर करके टोकरी के फूल को टोकरी से अलग अथवा टोकरी से भगवान को अर्पित किया जाए, एक भी टोकरी में फूल ना रहे और देखने में एक भी फूल नहीं है, सचमुच में फूल नहीं है क्योंकि सब भगवान को अर्पित कर दिया। लेकिन उस फूल टोकरी को सूखने से उसमें भी वासना रह जाती है, मतलब सुगंधी उसमें रह जाती है। उसी प्रकार से मैं अभी भी वही हूँ। और जैसे दही के अंदर मक्खन होता है, दिखाई नहीं देता है लेकिन उसको मंथन करने के बाद ऑटोमेटिक मक्खन बाहर निकलता है, उसी प्रकार से मैं हूँ। जो भक्त भक्ति के मंथन के द्वारा आता है अथवा भक्ति के द्वारा मेरा भजन कीर्तन करता है, मेरा स्मरण करता है, चिंतन करता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से मक्खन जैसे दही से जैसे मक्खन निकला उसी प्रकार से मेरी कृपा भी उसको प्राप्त हो जाएगी। भगवान कहते ना हम बसाएं वैकुंठे योगी ना हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र दिष्टामि नारद। मैं वैकुंठ लोग में निवास नहीं करता है, योगियों के हृदय में निवास नहीं करता हूँ, उसके हृदय में निवास करता हूँ जो मेरा निरंतर चिंतन करता है। लेकिन वहाँ नारद जी को थोड़ा सा डाउट हुआ, प्रभु आप तो सर्वांतरिया में कड़कड़ में रहने वाले हो, कड़कड़ में रहने वाले है लेकिन आप कहते ना हम बसाएं वैकुंठ वैकुंठ लोग में निवास नहीं करता बोल के बोले है तो थोड़ा सा डाउट, इसका डाउट समाधान करो बोले तो भगवान ने बोला जैसे तेरे शरीर में 75% पानी रहता है उसमें से थोड़ा आँख के अंदर का पानी को है आँख के अंदर का पानी तो एक बार बाहर निकल मैं देखना चाहता हूँ बोल तो ऐसा बोल, एक बार बोला, दो बार बोला, 3 बार, 5 बार बोला, नहीं निकला। सर्वांतरयामी था ना, इतना था ना पानी, नहीं निकला ना। उसी प्रकार से मैं सर्वांतरयामी हूँ। लेकिन अब मन की भावना को चेंजिंग कर, मन की भावना को चेंजिंग करते ऑटोमेटिक पानी बाहर निकला। उसी प्रकार से मैं सर्वांतरिया में होने के बाद भी भक्त मेरा जब संपर्क बरोबर मतलब चिंतन करता है तो मैं उसके सानिध्य में हूँ, उसको अनुभव देता हूँ। उसको जैसी भक्ति होगी उस प्रकार से उसको वैसा है मतलब उसका अनुभव देता हूँ क्योंकि दूर नहीं हूँ, सर्वत्र। हिरणकश्यप प्रहलाद की कहानी में खम्बे से भी भगवान प्रकट गए हो गए थे ना, इसी प्रकार से भगवान कणकण में है। इसीलिए सनातन धर्म वाले कहते हैं हर जगह है, कणकण में है, हम एक ही है बोल के नहीं बोलते, एक ही में सब में एक ही है। जैसे वायर में क्या है मेन लाइन में करंट है लेकिन उसमें तुम बल्ब का वायर चालू क्या है टचिंग करोगे बल्ब चलेगा, पंखा का टचिंग करोगे पंखा चलेगा, फ्रिज का टचिंग करोगे फ्रिज चले, देखे अलग अलग देगा। लास्ट में जो पहचान लेता है वो उसको मालूम पड़ता है कि करंट तो एक ही था। ठीक है, श्रीपाद राजम श्रीवल्लभ। इसके अलावा बिहार का बैक साइड में क्या है कि इधर का परंपरा के पुस्तक में लिखा ली है, परंपरा के जो है हम भी सुनी हुई कथा कहानी जो देखी हुई कथा कहानी को आपको बता रहे हैं। इसके बैक साइड में एक खून का हाथ का छाप बोल करके एक लाल सा निशान अभी भी हाथ का है, हाथ का पंजा आज भी है। 12 साल पहले मैं जब आया था मैं उसको नहीं मानता था, ये लोग खाली प्रचार करने के लिए ये बोल रहे बोल करके मेरे मन के माइंड में था। लेकिन 12 साल से जब जब बारिश आती है और सूर्य का प्रकाश भी आता है लेकिन आज तक जैसा 12 साल पहले मैं देखा था, मैं अपनी कथा कहानी कर रहा हूँ, आज भी वही सेम टू सेम वैसा ही है। जब जो नहीं मानता था उसको थोड़ा सा अब क्या है कि इतना पुराना ये क्या है प्रभु की लीला है क्योंकि ये कैसे हो सकता है बोले तो भगवान ने क्या है मरे हुए बलदेवश ब्राह्मण का धड़ से अलग होने के बाद भी विभूति से ऑटोमेटिक जीवित किया ना। इसका मतलब भगवान के चमत्कार में कुछ भी हो सकता है, भगवान की लीला में बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए बैक साइड में एक अच्छा हाथ का छाप है। कंप्यूटर का जमाना है, मोबाइल में कैच करके लेके जाओ, 10 साल 20 साल 30 साल के बाद भी आप आए तो सेम टू सेम वैसा ही दिखाई दे तो ओके, नहीं तो उस समय बोलना पहले तो ऐसा था आज ऐसा। और इसके बैक साइड में क्या है एक घोड़े का जैसा आकृति, हाथी का जैसा आकृति, मगरमच्छ का जैसा आकृति, जैसे गजेंद्र मोक्ष का स्टोरी है ना सेम टू सेम ऐसे है। गजेंद्र मोक्ष की स्टोरी में क्या है कि बड़ा एक तालाब था, तालाब में मगरमच्छ थे, उसी तालाब में हाथी चला गया, हाथी का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद में आपस में लड़ाई झगड़ा हुई। भागवत के हिसाब से 1000 साल तक लड़ाई झगड़ा हुई। होने के बाद जो है हाथी थक गया, थकने के बाद उसको अब लास्ट में कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दिया, पूर्व जन्म स्मृति आई। पूर्व जन्म में जो हाथी था वो एक राजा था, राजा भगवान नारायण का भक्त था, तब नारायण को याद किया, नारायण को याद करते नारायण अपने भक्त के लिए उस स्थान पर प्रकट होकर के उस मगरमच्छ का सर काट करके और अपने भक्तों को मतलब मुक्ति दिलाई बोल करके सेम टू सेम यहाँ कश्यप गोत्री बल्लेवेश ब्राह्मण भगवान श्रीपाद श्रीवल्लभ का भक्त भक्तों को मारने के लिए चोर आए थे, चोरों ने भक्तों को मारा, तब भक्तों भगवान को याद किया श्रीपाद जी ने बल्लेवेश ब्राह्मण ने, तब श्रीपाद श्रीवल्लभ जी प्रकट हुए, प्रकट होकर के 4 चोरों का संहार किया, 4 चोरों का संहार किया। तीनों को मारा। श्रीपाद जी ने बाद में अपने भक्तों को विभूति लगा करके जीवित किया। जैसे गजेंद्र मोक्ष की स्टोरी है सेम टू सेम कश्यप गोत्री बलदेवश ब्राह्मण की स्टोरी है। श्रीपाद राजम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सर्वे। इसका मतलब क्या है? ये अलग है। तब भी हमारा कहने का मतलब क्या है कि कभी भी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना चाहिए, सबके कल्याण के लिए सोचना चाहिए, अच्छा के लिए सोचना। मेरा भला दूसरों को परेशानी हो बोल के ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि माचिस की तिली दूसरे को जलाने से पहले अपने आप जल जाती है ना। दूसरे को बुरा करने से पहले अपना बुरा कर लेती है। इसका मतलब सबका भला हो। हमारे सनातन में ही ऐसा कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। ठीक है, जय गुरुदेव। गंगा यावत् देवो महेश्वरा यावत् वीरा प्रवर्तते सबको जरा सुनने का है। आपका मैंने बहुत प्रचार किया, बहुत अच्छा शंख बजाते हैं। शंख हमारा किती सुंदर वाज होता है आणि शांत बसा, त्यांचं ऐकायला येईल तुम्हाला। महाराज इकडे आले कुठलं डाकूची जागा होती, कोणालाही होऊ नये म्हणून त्याला इथे आणलं आणि त्याला वल्लभेश पैसे चोरून घेतले आणि पैसे चोरून घेतल्यामुळे एक कामात भारत नेट श्रीपाद तरी आले आणि आल्यानंतर यांना मारले गुरुचरित्रामध्ये कथा आहे ते त्यावेळेला प्रत्यक्ष होता मंदिर भक्ति वाले रहे, माता पिता के भक्त वाले रहे, वंश परंपरा में आपका संतान संतान का संतान संतान का संतान जो पैदा हो, भगवान का भक्त पैदा हो, गुरु भक्त पैदा हो। यावत भाग यावत देवो महेश्वरा यावत वेदा जब भागीरथी गंगा रे वेदा पार सतेगा जब भगवान शंकर के तब तक जन्म जन्म में आपकी हमेशा विजय ये थोड़ा सा थोड़ा सा आगे असर जाओ चला सगळे गोल जाओ अब हाँ घोड़ा देती है घोड़ा घोड़ा वो घोड़ा घोड़ा आपको ये जैसे ऐसे देखें तो आपको शेष नाग का जैसा लगता है पत्थर ऊपर से कवर किया है उधर साइड से मंदिर को हटाओ अंदर भगवान है उससे ऐसे ऐसा इधर से खड़े उधर उस साइड ऐसे किया और ये मगरमच्छ ही मगर है खालची खालची ही मगर मगरीच्या शेपचा यहाँ से गोल है ना इधर राउंड इधर ये राउंड ये चक्र के समान है और ये हाथी का बैक साइड का है एलिफेंट बैक साइड हाँ तो आगे का साइड हाँ हाँ अच्छा इधर से देखो अच्छा ये बैक साइड का ऐसा और वो आगे का हाँ बरोबर गाड़ी पड़ ली पर बैक साइड बहुत महत्व है इतना बड़ा ये पत्थर है इतना बड़ा ये पत्थर है इतना बड़ा ये पत्थर है पत्थरों में जो ज्वाइंट है थोड़ा सा है देखो जो इतना सा जुड़ा क्या है जुड़ा हुआ है हाँ बरोबर है अब उसके ये एक ही स्थान पर तो है लेकिन उसे बैक साइड में भी देखना इसका भी कुछ न कुछ तत्व है आज मैं इधर 98 में आया था हाँ तभी ये सभी इतना नहीं देखे नहीं बताने वाला चाहिए ना हाँ ये थे पहले से लेकिन कोई बोलने वाला नहीं था और देखो ये नीचे पत्थर है पत्थर फटा है एक नीचे का एक ऊपर का है बरोबर हाँ ऊपर नीचे के पत्थर के ऊपर बैठा हुआ जैसे एक चिड़िया वो गरुड़ पक्षी ऊपर मुँह है चोंच इधर उधर बैक साइड में ऐसे फटा है ना ऐसे करके उधर का पूछ है क्या क्या गरुड़ पक्षी अलग है और ये अलग है नीचे के पत्थर के ऊपर बैठा हुआ अब कैसा काय इथे ये क्या है ये चूना है और ये जाज बोलते हैं ना शेरू देखो ये तो ऐसे चलेगा ये अच्छा वो वो वैसा ही अभी तक तब तो कह रहा हूँ मैं 12 साल से मैं अपने आँख से दिखाई देख रहा हूँ 80 साल के ब्राह्मण कहते कि मैं अपने दादा से सुना था दादा दिखाते थे मेरे को बोलते आज तक वैसे है 40-50 साल के आदमी अभी भी जीवित है 60 साल 70 साल तक के अरे बाप रे और इधर थोड़ा सा ऐसा लगता है ओम आग की हाँ वो दिखता है ऐसा ठीक है और इधर एक हनुमान जी का जैसे दिखाई देता है ये आँख हाँ हाँ सही बराबर बराबर और जैसे हाथ जोड़ा है ऐसा उड़ रहे हैं ऐसा पूछ इधर देखे ऐसा हाँ ऐसा हनुमान और हाथ जोड़ के ऐसा बैठा है और इतना बड़ा देखो दत्त हाथी का ही है। ये क्या है, ये लीला है कि हम लोग ज़्यादा नहीं समझ पाए और नहीं सोचना भी चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा दिमाग लगाओगे जिंदगी भी क्या करोगे। हम लोग ऐसे दिमाग लगा के नहीं सोच के कह, भगवान कहते हैं कि भाव ही विद्यते देवा तस्मात् भाव ही अध्यात्मावर अशीच माहिती मिळवण्यासाठी देव माझा चॅनलला सबस्क्राईब करा।